इस जगह से ना अपर नीलम जाते हुए ना यहाँ से व्यू बड़ा प्यारा आ रहा है। ये इंडिया है और ये दरिया क्रॉस करो तो ये पाकिस्तान आ जाता है। दैट्स द ब्यूटी, दैट्स द ब्यूटी ऑफ नीलम। इस वक्त अरंत हिल जहाँ पे मैं रुका हूँ ना, तो आप देख सकते हैं कि ओले बढ़े हैं और ये दोनों के ये जो वीडियो बना रहे। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। सो आज जो है ना मैं निकल रहा हूँ अभी जो है कश्मीर के लिए। 8:30 के करीब टाइम हो रहा है क्योंकि 10 बजे जो है हमारी बस जो है वो निकल जाएगी, तो उससे के लिए हमें 9:30 बजे तक बस के आसपास पहुंचना है। तो ये मेरी पूरी टीम है। इट्स योर ट्रक? यस। एंड व्हाट इज दैट, योर कार? दिस इज माय येलो कार। ओह माय गॉड, दिस इज येलो कार। लिबर्टी राउंड अबाउट के पास जो है ना मैं इस वक्त खड़ा हूँ और अभी जो है ना हम घर से यहीं पे पहुँचे हैं सीधा, क्योंकि दफ्तर यहाँ पे था। और माय गॉड, यहाँ पे रश जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काफ़ी लोग जो है ना यहाँ पे इंजॉय करने आए हुए हैं। और हमारी जो गाड़ी है ना वो भी आ चुकी हुई है, जो कि वो अपोजिट साइड पर खड़ी है। और चंद एक मेहमान जो है ना वो भी हैं वहाँ पर, जो हमारे नए फ्रेंड्स बनेंगे। मैं और अबू ये खड़े हैं, हम लोग जा रहे हैं। और अभी मैं बिलाल भाई को जो रिमेनिंग कैश है वो देता हूँ। फाइनली हम लोग जो है ना इस वक्त रुके हैं थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए, गाड़ी रुकी है और धूप जो है ना निकली है और वेदर बड़ा मज़े का। गाड़ी में जो है ना वो सर्दी लग रही है शीशा खोलने से, लेकिन वैसे जो है ना वो बड़ा सुकून है, ना गर्मी है ना सर्दी है, ये मौसम के हालात हैं। जिग जैग जो है ना बड़ा मज़े का, जिग जैग बड़ा मज़े का। सो अब मैं यहाँ से खाई को देखने की कोशिश करता हूँ। Look at the view, bro. So, वो रहा जी आज़ाद कश्मीर का गेट। ये वो दरिया है जहाँ मैं अभी पीछे भी आया था जब मरी हम लोग आए थे आज़ाद कश्मीर के गेट के पास। ये पख्तूनख्वा एंड देन ये बॉर्डर ऑफ कश्मीर, केपी के और कश्मीर का बॉर्डर। कश्मीर का मींस बहुत अच्छी है।
पे हम व्यू पे खाना खाने लगे ना, वहाँ पे ये वो दरिया है जिसकी बहुत ज़्यादा स्पीड है। तो ये अब वो फुल टाइम एंजॉय करते हुए, और ये दरिया जो है अपने पूरे जॉर्डन पे है। इसके साथ ये नज़ारे जब आपको मिलते हैं ना, तो ये सीन जाने व्यू जो है ना वो ज़बरदस्त। जिस तरीके से ये दरिया बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है ना, और ये बच्चे जो है ना शरारतें कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर अभी तक आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट जो है ना वो लाजमी कीजिएगा। दरिया का शोर इतना ज़्यादा है कि जनाब बड़ा ही पुरसकून और लुत्फानंदोज वाला जो है ना सीन चल रहा है। ये डेंजरस है, बहुत ज़्यादा डेंजरस दरिया है, और यहाँ पे जो लोग हैं ना वो सुनते नहीं हैं। तो ये पब्लिक है और इनको मना करने के लिए लोग जा भी रहे हैं, लेकिन ये पब्लिक सुन नहीं रही। अब बंदा इन पब्लिक साहबा का क्या करे जनाब, कि इनको पता चलना चाहिए कि इनकी जान को यहाँ पे खतरा है। अब जो है हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो है ना वो बढ़ रहे हैं, और ये नज़ारों को हम गुड बाय कह देते हैं और चलते हैं हम अपनी गाड़ी की तरफ। सो इंशाल्लाह ताला मैं जाके ना आपको नेक्स्ट पॉइंट पे ही मिलूँगा, और वहाँ के नज़ारों से लुत्फानंदोज़ होंगे और आपके साथ शेयर भी करेंगे। दूसरी साइड पे पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, अब मैं दूसरी तरफ देखना चाहूँगा। और ये मकान और ये जो पहाड़ी सिलसिला दिखाई दे रहा है, ये वाला ये ऑपोजिट साइड इंडिया है पाकिस्तान के। और इस वक्त मैं LOC जो है वो क्रॉस कर रहा हूँ। तो बारिश जो है ना बड़ी ज़बरदस्त हो रही है, और साथ जो है ना उसकी आप व्यू चेक करें, दरिया बह रहा है। बारिश के साथ जो है ना नज़ारे ही थोड़े से डिफरेंट हो गए हैं। तो ये तो हो गया बारिश का व्यू, और अब आपको मैं दिखाता हूँ, रूम टूर करवाता हूँ जी। ये हमारा दो लोगों का रूम है, ये सिंगल बेड लगा हुआ है, वो डबल बेड लगा हुआ है, चेयर्स टेबल और लाइट भी चलेगी है। अब मैं दूसरा कुछ नहीं दिखा सकता क्योंकि लाइट जा चुकी है, अब अंदर से दिखाई कुछ नहीं देगा। तो ये है सामने साइड पे जो है ना इंडिया वाले कुछ दोस्त हैं जो हेलो हाई कर रहे हैं, और हम उनकी वीडियो बना रहे हैं, और आपको दिख भी रहा होगा उनकी वीडियो में वो शायरे शायरे करते हो गए। हेलो ये हो रहा है, हेलो। इस वक्त जो है ना मैं बारिश में भीग रहा हूँ और बारिश का मज़ा ले रहा हूँ, पीछे गिर ना जाऊँ मैं। इधर से पाकिस्तान की तरफ से ये भाईजान हेलो हाई इनको कर रहे थे, और अब हेलो हाई जो है ना वो बंद हो चुका है हमारा। तो बारिश की वजह से प्लान जो थे ना वो हो गए कैंसल वाटरफॉल पे रुकने के। तो अब हम जा रहे हैं अपर नीलम। सो अपर नीलम पे जाके थोड़ा सा देखते हैं क्या हालात है वहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट टाइम है आपके भाई का अपर नीलम और नीलम वैली में। इससे पहले तो पीछे पीछे ही आया हूँ, लेकिन इस टाइम जो है ना बहुत अंदर तक आ गया हूँ, और वो अपोजिट साइड पर इंडिया चल रहा है। दिल तो कर रहा है दो चार प्यारी बातें बोल लूँ, आगे देखो। तो हाँ जी, वो इंडियन वहाँ में ना। अब ये ट्रैक जा रहा है ऊपर अपर नीलम की तरफ, जिस पे अभी आपका भाई जो है और अबू जो है हम लोग जा रहे हैं। जो हमारे साथ पहले लड़के आए थे वो ऑलरेडी ऊपर की तरफ निकल चुके हुए हैं, और हम नीचे ही थे, मुझे थोड़ा सा काम था जिसकी वजह से मैं नहीं निकला, लेकिन अब हमें ऊपर जा रहा हूँ।
इस जगह से ना अपर नीलम जाते हुए ना यहाँ से व्यू बड़ा प्यारा आ रहा है। ये इंडिया है और ये दरिया क्रॉस करो तो ये पाकिस्तान आ जाता है। ये व्यू बड़ा ज़बरदस्त आया, दो देश एक दरिया के दरमियान में। LOC का व्यू चेक करें यहाँ से, ये अपर नीलम से LOC का व्यू है। और ये इस वक्त मैं अपर नीलम पे खड़ा हूँ और इतना मज़ा आ रहा है ना, बारिश हो रही है, बीच में धूप निकल आई थी, अब मैं पैदल चलता हुआ हूँ। ये नीलम रिवर जा रहा है, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है। एक दरिया का है LOC। अब हम ऊपर नहीं, मजीद ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इंडिया ऊपर बने। हाँ जी, 2:30 बजे के हम लोग निकले हुए हैं और 4 बज गए हैं। वो अबू को सांस चढ़ गया, ये खड़े हुए हैं और रास्ता अभी भी ऊपर है। मेरे दोस्त वो लड़के फोटोज बनवा रहे हैं, उससे आगे सीढ़ियाँ जाती हैं जो डायरेक्ट वो टावर के पास लेके जाएंगी। ओ फाइनली, इतनी मेहनत मशक्क़त के बाद हम लोगों ने पॉइंट ढूंढ लिया और बारिश हो रही है। चलता जा रहा हूँ मैं, फिर भी अबू बैठ गए हैं थोड़ी देर के लिए, बट आई वॉन्ट टू सी द व्यू। यहाँ पे बिलाल आया था, मुझे बिलाल का पूरा नाम भूल गया, उसके चैनल का पूरा एग्जैक्ट नाम क्या है, और वो आया था तो अब मैं आया हूँ। सो इसलिए जो है मैं इस पॉइंट को काफ़ी ढूंढ रहा था, क्योंकि मैंने बिलाल को बड़ा फॉलोअप किया हुआ है बड़ा ऐसे पहले, लेकिन अभी मैं बिलाल की देखता नहीं हूँ वीडियोस, क्योंकि आजकल मैं काम में बिज़ी होता हूँ तो वो देखी नहीं जाती। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं उस व्यू पे जिस व्यू की मैं बात कर रहा था, और इस स्टॉप पे पहुंचने के बाद मैं दूसरी साइड पे जाता हूं, और दूसरी साइड पे जाने के बाद मैं जो हूँ ना व्यूज़ दिखाता हूं कैसा व्यू लग रहा है। अभी बिजली जो है ना वो चमकी है और उसको चमक करने देते हैं, हमें तो व्यू से इस टाइम मतलब है। उस तरफ अभी लेडीज़ खड़ी हैं, हम इस साइड का व्यू दिखाते हैं। ये देखें कैसे, चेक करें बादल, चेक करें ये पहाड़ ही पहाड़। सो ये अब व्यू है, अब मैं जाता हूँ दूसरी साइड पे। दूसरी साइड पे जाने के बाद जो है ना मैं वहाँ पे तो बनाता हूँ, मैं थोड़ा सा रास्ता चेंज कर दिया, रास्ता चेंज करके अब ये है, अब मैं उनकी साइड पे नहीं आ सकूँगा क्योंकि प्राइवेसी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्राइवेसी। सो मैं दूसरी साइड पे आ गया हूँ। दूसरी साइड पे आने के बाद अब मैं आपको व्यू चेक करवाता हूँ, चेक करें व्यू। ओह माय गॉड, दैट्स द ब्यूटी, दैट्स द ब्यूटी ऑफ नीलम, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। ओ सॉरी, LOC, इंडिया पाकिस्तान LOC। एंड चेक दिस ब्यूटी, साउंड चेक करो बादलों के गरजने का, परफेक्ट टाइमिंग पे परफेक्ट बादलों का जो साउंड है ना वो आ रहा है, और इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है मैं बता नहीं सकता। सो ये ब्यूटी चेक की जाए, यही कहूँगा। अगर आप लोगों को अपने भाई का व्लॉग पसंद आया ना तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट जो है ना वो लाजमी कीजिएगा, कंजूसी नहीं करनी, और सब्सक्राइब भी करना है और वॉच भी वीडियो पूरी करनी है, ताकि इस तरह के नज़ारे आपका भाई ना आपको दिखाता रहे। अभी बारिश बड़ी तेज़ हो रही है और मेरा मोबाइल और मैं दोनों भीग रहे हैं। की चीज़ तो रह गई अभी, इस मेरे मोबाइल के कैमरे में दिखाई नहीं दे रहा, ये चोटी जो है ना ऊपर वाइट बादल है, यहाँ पे ये वाइट बादल है, इसके ऊपर चोटी के ऊपर इतनी ज़्यादा बर्फ़ है ना, मोबाइल में नहीं आ रही, लेकिन ये व्यू बड़ा मेरी आंखों से जो है ना बड़ा प्यारा लग रहा है। तो मुझे नहीं समझ आ रही मैं इसको आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये बादलों का व्यू चेक करें। अपर नीलम पे ना केरन के बजाय काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं, ये देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस आ जाती हैं।
लेकिन इसके साथ साथ आपको ना एक फ़ायदा यहाँ पे ये भी है कि आपके पास जो नज़ारे हैं ना वो बड़े कमाल के हो जाएंगे। इस तरह से अभी मैं नीचे जा रहा हूँ और आप ये नज़ारे चेक करें कि यहाँ पे जो स्टे करेगा उसके पास नज़ारे कहाँ ऐसे है। और केरन में जो मसला है, केरन में मसला सिर्फ यही है कि वहाँ पर इतना ज़्यादा कुछ खाने पीने के लिए भी नहीं है। यू हैव टू फाइंड इट एंड हियर यू हैव ऑल थिंग्स दैट यू नीड योर टमी। सो आई सुजेस्ट अपर नीलम, दैट्स द बेस्ट ऑप्शन। सो अभी नीचे जाते हुए मैं वीडियोस बना रहा हूँ ताकि सारा आपके पास व्यू जो है ना वो भी नज़र आ जाएगा और मज़ा भी आपको आएगा। और ये देख सकते हैं ये खाने पीने वाला अपर नीलम पे केरन में है, होटल है और यहाँ पे आपको डिफरेंट वैरायटी फूड्स मिल जाएगा। ये जो है ये झोंपड़ियाँ बन रही हैं, आई गेस यहाँ पे रेस्टोरेंट ही बनेगा जो बन रही हैं। और ये आप देख सकते हैं अल सादत होटल एंड बन्नू बीफ पुलाव, यहाँ पे बीफ पुलाव भी आप मेरे को मिलेगा, कराची बिरयानी भी मिलेगी। कराची बिरयानी एज यूजुअल फेमस इन ऑल ओवर पाकिस्तान, सो वाई नॉट इन कश्मीर एज वेल। यार ये बुरी बात है, ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए, इस चीज़ पे ना सबको शर्म आनी चाहिए, लेकिन कोई सोचता नहीं है, समझता नहीं है। और मैं यहाँ से गुजर गया था, मैंने सोचा कि क्यों ना खड़े होकर थोड़ी सी इनकी वीडियो बनाई जाए और देखा जाए कि ये कैसे बना रहे हैं, क्या जुगाड़ से लगा रहे हैं। आज जो है ना ये गुड मॉर्निंग का अंदाज जो है ना दरिया नीलम से आपका भाई आपके साथ कर रहा है। अगर अभी तक आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट जो है ना वो लाजमी कीजिएगा। तो सुबह सुबह का टाइम है, दरिया का शोर चेक करें, व्यू चेक करें सुबह सुबह का। सारी रात जो है ना लाइट नहीं आई, तो ये दरिया का शोर चेक करें और कितना सुकून दे रहा है। और ये जो है ये इंडिया में भाई साहब खड़े हैं, ठीक है, और वो ये भी जो है इंडिया में ही है भाई साहब। व्यू चेक करें आप, अभी हमने थोड़ी देर नाश्ता करेंगे, थोड़ी देर में फिर हम निकल जाएंगे केएल की तरफ, फिर हम निकल जाएंगे और वहाँ से अरंज केव, ये रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम लोग ठहरे हैं होटल में, और आज रात भी हमारा यहीं पे स्टे है। और नेक्स्ट जो है ना फिर हम कल इंशाल्लाह लाहौर के लिए रवानगी तैयार करेंगे।
इस वक्त जो है ना हम लोग शरदा के पॉइंट पे आके पहुंच गए हैं। खाना खाने के बाद, नाश्ते करने के बाद हम लोग वहाँ से निकल पड़े थे, क्योंकि ये बड़ी दूर पॉइंट है जहाँ पे हम अभी निकल के आए हैं। और मैं अभी दरिया की साइड से जाके ना आपको व्यू चेक करवाता हूँ, और व्यू देखिएगा आप कैसा प्यारा है। ये वही दरिया है जो हम LOSE के पास जहाँ पे रुके हुए थे, वो ब्रिज है जिसे आप क्रॉस करके अपनी छोटी गाड़ी पे मेहरान कल्टस सिटी पे जो है ना दूसरी तरफ इस साइड पे श्रद्धा की दूसरी साइड पे आप आ सकते हैं। बड़ा ही प्यारा ये व्यू है। और पीछे ऊपर अगर मैं ज़्यादा इसको, अब आपको ज़्यादा सा व्यू दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे धूप बड़ी है और गर्मी नहीं है लेकिन यहाँ पे जो धूप है ना वो बड़ी ज़्यादा हो चुकी है। और मैं अगर नेक्स्ट टाइम आया ना तो आई विल स्टे हियर। चेक दिस आउट मैन, कुछ लोग जो है ना वो सामने साइड पे वो दरिया के अंदर गए हुए हैं, लेकिन ये अच्छी चीज़ नहीं है। यहाँ पे दरिया जो है ना एंड यू कैन सी कि ज़मीन के साथ ही लगा हुआ है, और ये वही दरिया है जो वहाँ से दूर से काफ़ी गहराई में है, लेकिन यहाँ पे श्रद्धा के मुकाम पे आके ये ज़मीन के साथ लगा। ये दो साइड से यहाँ से आ रहा है, एक ये वाली साइड पे और दूसरा ये वाली साइड। तो अब यहाँ से मज़ीद जो 1.5 घंटे का ट्रैक है ना, वो हमारा जीप पे ट्रैक है KL जाने के लिए। वहाँ से 1 आवर की हाइक है जो हम लोग करेंगे। और मैं अबू को देख रहा, अबू पानी लेने गए थे अपने लिए, वो पीछे आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो लोग हैं ना बोटिंग वगैरह कर रहे हैं, लेकिन हमारे गाइड ने जो है ना हम लोगों को मना कर दिया है कि अभी आप जो है ना बोटिंग नहीं कर सकते। रीज़न ये है कि आप जो है ना आगे जा रहे हैं, वापसी पे आप यहाँ पे आके ना बोटिंग कर सकते हैं। देन आई विल ट्राई दिस और नॉट, उसके बाद देखिए। श्रद्धा बड़ा ही प्यारा है यहाँ, धूप से ना आंखें नहीं खोली थी, सूरज की तरफ अगर देखा जाए तो ये सर बादल बड़े कमाल आए हुए हैं। अभी मैं आपको ये रश दिखा रहा हूँ कि कितना लंबा ये केल की तरफ जाते हुए रश है, और नज़ारा यहाँ पे आप आता देखने वाला है। ये लोग, ये येलो शर्ट वाला बंदा जो है ये पानी भरने वाला है, और मैं आगे वाला रश तो आपने देख लिया है, और साथ में ये दरिया बह रहा है, और ये भी एक आपके साथ छोटी सी आ गई है। और उसके बाद अगर मैं अपने पीछे का रश दिखाऊँ तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि यानी कि रश जो है वो कितना लंबा है। और अब व्यू कमाल है यार, व्यू अच्छा है नो डाउट, बट रश जो है ना वो बड़ा बॉम्ब है। और वो पहाड़ी जो बादल से थोड़ा सा आगे है, ये केल में है, यहीं पे हम जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने बताया था बर्फ़ जमी हुई है, ये वो पहाड़ी है जो मैं अभी देख रहा हूँ जो बहुत ही क्लोज आ चुकी हुई है, लेकिन रश की वजह से हमें अब टाइम ज़्यादा लगेगा। ये सेल्फी सेशन स्टार्ट हुआ है सबका, और नो डाउट यहाँ पे काफ़ी एक्शन जो है ना अमेजिंग होता है, लेकिन मैं गया नहीं हूँ, मैं यहीं पे रुका हूँ, गाड़ी के ऊपर खड़ा हूँ मैं तो। सो देखते हैं अब क्या सीन है। और ये यू टर्न है यहाँ पे, लोग आबशार पे, मेरे घर में आबशार, यहाँ पे लोग आबशार पे रुके हुए हैं, और गाड़ी रुके नहीं हुए बेसिकली गाड़ियाँ। Oh
ये सीन है यहाँ पे। ये बंद हो नहीं हो कटल है बंदा खड़ा है इसको यार को आप शायद है जी। इसकी वजह से ना पूरे का पूरा रास्ता जो है ना वो शटर डाउन हुआ हुआ है। गाड़ियों वाले अभी ये सीन देखने वाले हैं जो दूसरी साइड से अभी मैं दिखा रहा था। अभी हम केएल नहीं पहुंचे और हमारी गाड़ी अभी बहुत पीछे जो कि रश की वजह से फंसी हुई है। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे रश से गाड़ी निकली। इस वक्त जो है ना बड़ी मुश्किलों के बाद ना हम लोग केएल पहुंच चुके हैं और अब ऑरेंज केएल हमने जाना है लिफ्ट के ज़रिए। बादल जो है कल की तरह बहुत ज़्यादा गरज रहे हैं। व्यू चेक करें। सो ये हमारा जो है ना ट्रैक है ये हिम्मत देने वाले हैं हमें। और ये ट्रैक हमारा ये चेयर लिफ्ट है जहाँ रुक रही है और इसके ऊपर ये पहाड़ी ख़त्म हो रही है जहाँ पे हमने ये जहाँ पे हमने जाना है। हमारे दो बंदे जो है ना वो बहुत ही आगे जा चुके हैं और हम लोग अभी पीछे भी चाहिए।
दरअसल उसको इजी इसलिए लग रहा है जमशेर को कि वो हाइक पहले कर चुका हुआ है, पहले वो दूसरी इधर जाता रहा ना। हाँ अभी बारिश होगी ना, फिर ज़्यादा फील होगा ऊपर आते हुए। अभी वाकई में पार्टी शुरू हुई है, सही कह रहा हूँ। अभी तो हम नीचे नहीं पूरा पहुँचे, जब नीचे जाके ऊपर की तरफ होगा ना मुंह तब पता चलना है। हमारे की कल बात है, भाई को देख ले। हम तो पहुंचे नहीं, वो दोनों पहुंच भी गए। किधर है दोनों? वो चले गए। मैं अब हमने ये वाला पुल क्रॉस करके फिर आगे की तरफ हम जाएंगे। तो इस वक्त जो है ना हवा बहुत तेज़ चल रही है और हमारी बस हो गई हुई है और पुल जो है ना हिल रहा है हमारे चलने से। ये दरिया नीलम है अभी तक चल रहा है, इस साइड पे केल है और ये वाली साइड पे ज्वाइन चल रही है। और यहाँ पे हमारे साथ जो आए हैं टूर्स में ये वीडियोस बना रहे हैं और बस हम तीनों की हुई है। टॉप करना है। इस वक्त अरनशील जहाँ पे मैं रुका हूँ ना, तो आप देख सकते हैं कि ओले बढ़े हैं और मेरे साथी वो खड़े हैं ऊपर और मैंने डन कर दिया, मैंने यहीं पे डन कर दिया। तो सब जो है ना ऊपर चले गए हैं। आपके भाई की ना बस हो गई है क्योंकि मैं गिरते गिरते बचा हूँ और जब मैं दो बार गिरा हूँ ना तब आपके भाई ने सो ही कहा है जनाब अबरियों की बात नहीं जुड़ना, छोड़ दो इस स्लीपिंग में, अगर बारिश ना पड़ती तो इंशाल्लाह मैंने भी अरेंज केयर में होना था। सो वो पहाड़ पीछे जो है ना बर्फ़ में ढका हुआ है और ये नज़ारा है केल का और अरेंज केल तो हम पहुँच नहीं सके। ये पीछे से ये हालत है नीचे वाली और ये हालत है बैक साइड वाली और अब ये मेरी हालत है खाना। ये हमारे भाई हैं और ये हमारे भाई ने बड़ी हिम्मत की थी मगर भाई की हिम्मत तोड़ दी गई। और ये दोनों के ये जो वीडियो बना रहे जमशेद भाई, इन्होंने हमारे तक दारी करी है, रुके नहीं और हमारी बचत हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह यार, मैं अपने दोस्तों के लिए दिल से साफ था, इनको इसी ने हमने ढूंढा कि ये ना जाए ना गंदे हो। अब हमारा हाल खुद मुलाहिजा कर सकते हैं, ये भाई आपको दिखाते हैं। सो अब जो है ना हमारा सीन है वो तो आपने देख लिया बढ़ गया। और प्रोग्राम ये वाला है, सीनरी वाला ये है। आज की जो है ना हमारी आबिती वो ये रही है कि हम चले हैं केरन से, वहाँ से हम शारदा पहुँचे हैं और शारदा से जो है ना हम आगे केल में आए हैं। केल में आने के बाद जो हमारे साथ रास्ते में बीती है कि बहुत ही ज़्यादा गंद था, वो मैं आपको पीछे क्लिप पे और ये छोटा सा मैं आपको दिखा रहा हूँ। और उसके बाद जो आगे हमारे साथ बीती है कि जो एरेंज केल गए हैं उसका भी मैं क्लिप्स आपको अभी ये छोटा सा स्क्रीन में साइड में दिखाता हूँ और इसका जो पूरा क्लिप है वो मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। और अब ये सीनरी वाला जो नज़ारा है ना, ये आप देखेंगे ये केल का नज़ारा है कितना प्यारा है। और वो जलालत इस जगह पे आके व्यू चेक करने में वो जलालत जो है ना ख़त्म हो गई है, उस चीज़ को हम जो है ना कंसीडर कर ही नहीं रहे, हमें इस नज़ारे को भी इंजॉय करने वाले। ये धूप निकली हुई है, ये जो इस साइड पे है ना ये सारी छाँव है और इसकी बैक साइड पे एक चोटी है जिसके ऊपर जो है ना बर्फ जमी हुई है। आखिरकार हम बड़ी मेहनत से अरन केल पहुंच गए, हम अब बता नहीं सकते। ये पीछे आप देख सकते हैं मेरा गेटअप, गेटअप मेरा मुश्किल से हम अरन केल पहुंचे। तो मेरी यही नसीहत है सारे जिंदगी के, कभी भी अरन केल ईद वाले दिन ना हो, ईद वाले दिन ना हो, ईद के बाद ऐसे मर्जी आओ। यानी आप लास्ट डे ईद है, ईद वसा है तो हमें नहीं आईडिया कि बाद के दिन भी ऐसा रहता या नहीं रहता। अभी के दिनों में सो यहाँ तक पहुँचने के लिए ना हम लोग आए हैं ट्रैवल विद जुनैर के साथ और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है ना वो कुत्ते वाला है, मुझे कोई पसंद नहीं आया। और इन दोनों का अब एक्सपीरियंस मैं पूछता हूँ,
आपका जमशेद, आपका कैसा एक्सपीरियंस है ट्रैवल विद जुनैर के साथ? ये बताता हूँ कि गाड़ी अच्छी है, गाड़ी में कुछ नो डाउट, गाड़ी अच्छी है, गाइड गाइड लाइनर बस मेरे हाथों का शरसा मिले और अंकल ड्राइवर थे मस्त पर्सन, मस्त है, बाकी सर्विसेज नहीं है ये वन थे ड्राइवर, बाकी जगह ठीक है, वो अल्लाह की शान है, वो उन्होंने बनाई है, हमारे साथ आना था लेकिन वो नहीं आए, उन्होंने हमें अकेला भेज दिया है, वो खुद और हमें रास्ता नहीं पता, हम जलील हो गए, ये देखिए हमारी हालत देख ले कैसी हालत हो गई है, ये देखें लेकिन लाइफ में आप यहाँ कभी ना आना, या हाँ अगर उनके साथ जाना है आपने तो मेरा ये एक्सपीरियंस है, अगर ट्रैवल के साथ अच्छा है पर ईस्ट साइड वाला नहीं, सवाद कलम जाए उनके साथ, वो टूर उनका अच्छा है, स्कर्दू चले जाएँ जहाँ हाइकिंग ना हो वहाँ जाना है आपने ट्रैवल विद जुनैर के साथ, वो आपको अच्छा ट्यूर देंगे, जहाँ हाइकिंग करनी पड़ती है वहाँ पे बकवास है, आपका प्रोग्राम बढ़ जाएगा नीचे। सो यहाँ पे पहुँचने के लिए ना अगर आपने आना है नीलम वैली आना है और यहाँ आपने केल आना है या ऑरेंज केल आना है, आपको दो चीज़ों की जो है ना वो चाहिए होगी, एक तो है आपको अम्ब्रेला चाहिए होगा, रेनकोट चाहिए होगा, लॉन्ग शूज़ चाहिए होंगे, सेकेंडली और आपको जो है ना एक्सपेंस जो है ना आपको अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा, अच्छा खासा जो करना पड़ेगा, जो शारदा से लेके आपको यहाँ तक लेके आएंगे अरंज केल तक, अरंज केल जाने के लिए भी दो रास्ते हैं, अब दो रास्तों में से एक रास्ता मैं दिखा चुका हूँ पहले ही आपको, अब ये सेकेंड रास्ता जो है वो है चेयर लिफ्ट का, और अब जो लिफ्ट वाला सीन है ना उस पर आपको तकरीबन जो है ना आलमोस्ट 4 घंटे, अगर रश है तो 3 से 4 घंटे पक्के लगते हैं, अगर नहीं है तो आपको इजीली 1.5-2 घंटे में आप केल अरंज केल की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पे व्यू नो डाउट बहुत ही आउट क्लास व्यू है और आपके जो है ना पैसे वसूल हो जाएंगे, अगर आप नीचे से जाते हैं तो आपको 3 से 3.5 घंटे लगेंगे हाइकिंग करते हुए, आपने पहले नीचे उतरना है फिर आपने रोड क्रॉस करना है, रोड क्रॉस करने के बाद जो है ना आपने ये ऊपर आपको वो मस्जिद की बैक साइड पे अगर दिख रहे होंगे कॉटेजेस, आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे जाने के लिए ना आपको पैदल जाने के लिए मस्ट जो है ना होनी पड़ेगी पावर आपके यहाँ भी और आपके कदमों में भी, तब आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं, अदरवाइज़ बारिश हो गई तो आपका प्रोग्राम बढ़ जाएगा, आप कहीं ना कहीं से गिर जाएंगे, अगर आप जाते हैं तो पैदल जाते हैं हाइकिंग करते हुए, अगर आप लिफ्ट से तब जाएंगे तो आपको अच्छा खासा ईजिली मिलेगा, और वहाँ पे आपने अपना सामान लेके जाना है, वहाँ पे लकड़ी के हाउसेस हैं जिनमें आप रह सकते हैं और आपको ऑलमोस्ट 1 दिन तो लाजमी वहाँ पे चाहिए पहुँचने के लिए और वहाँ पे रात रुकने के लिए, और नेक्स्ट डे आप जो है ना वापस आएंगे, आप ये नहीं कर सकते कि आप अभी जाएं और 10 मिनट ठहरें और अभी वापस आ जाएं, ये कभी भी नहीं होगा। सो यहाँ की जो मेन मज़े वाली चीज़ है ना जो ज़्यादा अच्छी लगी है मुझे, वो है जनाब ये मस्जिद, जो कि यहाँ पे कश्मीर में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनी हुई हैं और इनको देखने का भी मज़ा आता है, और अभी हम पास थोड़ा सा जाते हैं क्योंकि अभी बन रही है, तकरीबन बनी नहीं, अभी ऊपर वाला पोर्शन बना हुआ है और नीचे वाला जो पोर्शन है ना अभी बन रहा है, और अगर मैं ज़ूम करके दिखाऊँ ना तो ये लकड़ियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी चार दीवारी के अंदर, कि ये लकड़ियाँ अभी इसमें लगनी है और इसका मज़ीद काम जो है ना वो होना है, और ये है केल का कंप्लीट व्यू जो कि बहुत ही प्यारा है, और अगर आप इस पहाड़ी का इस वक्त व्यू चेक करें ना, इस पे धूप पड़ रही है और कितनी ही ज़बरदस्त ये लग रही है, और पैसे वसूल हो जाते हैं जब ग्लेशियर के ऊपर जाके ना धूप का नज़ारा पड़ता है, और यहाँ से जो पानी की चश्मे बह रहे होंगे ना वो बड़े ही आउट क्लास होंगे। अली रज़ा भाई, हमें ज़रा बताएं कि आप शारजा से आए हैं अरन केल देखने के लिए, तो जो शारजा से केल तक का रास्ता है उसके बारे में ज़रा एक्सप्लेन करें, कि जो लोग आते हैं बहनें भाई आते हैं बुज़ुर्ग आते हैं कि उनको ये देखने में आसानी हो और आने में भी उनको पता चले कि कैसा रास्ता है। शारदा से जो है ना केल आने के लिए ना अपनी तो गाड़ी फर्स्ट ऑफ ऑल वो यूज़ बंदा ना करे तो सबसे बेहतरीन है, क्योंकि रास्ता जो है ना वो सबसे ज़्यादा बकवास रास्ता जो है ना ऑफ रोड रास्ता है सारे का सारा, और उसमें आपकी अपनी गाड़ी जो है ना वो टूट फूट भी सकती है, ठीक है, उससे बेहतरीन हल ये है कि आप वहाँ पे जीप वाले को दें 11,000, 10,000 या 20,000 दें, आपकी जो गाड़ी है ना सेफ़ रहेगी, आप इजीली जो है ना शारदा से केल जो है ना इजीली पहुँच सकते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस होगा। उसमें रास्ते में आपके पास एक आएगा आबशार आएगा जहाँ पर है ना आपको गुजरना मुश्किल हो जाएगा, और वहाँ पर जो है ना आपकी गाड़ी को ना
मोस्टली वहाँ पे आपकी गाड़ी को जो है ना नुकसान पहुँचता है, तो जिसकी वजह से फिर आप अपने सर पीटें, तो बेहतरीन हाल यही है कि आप वहाँ से 4x4 कर लें और ज़्यादा आपको बेनिफिट वो रहेगा। और केल आने के लिए तो मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि केल में आपको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायर्ड होगी, आप वहाँ पे आई के बटन पे क्लिक करके वहाँ पे जाके देख सकते हैं वो वीडियो। सो गाइज, मैं आपको ना एक बड़ी प्यारी वाटरफॉल दिखाता हूँ जो कि एनएच केल जाते हुए रास्ते में ये वाटरफॉल आती है, और पानी जो है ना बहुत ही ज़्यादा इसका ठंडा पानी है। और ये हमारे जो लोग हैं ना अभी बना रहे हैं, फोटो सेशन कर रहे हैं, और अब हम निकलने लगे हैं क्योंकि हमें आगे भी एक जगह पर रुकना है। गाइज ये अब जो है ना 8 बजने वाले हैं, और आप व्यू चेक करें आसपास का। हेलो, आपको दिखाई देगा कि हालात क्या हो गए हैं, और हमें अरेंज केल आने के तक अभी तक जलील ही हो रहे हैं, जलील ही हो रहे हैं, आगे अंदर 4 घंटे और जलील हो रहे हैं। हमारा बोल में हो गया है। तो ऐसा है कि फर्स्ट डे तो हम यहाँ पे कुंडल शाही फॉल पे तो आ नहीं सके थे, लेकिन आज जाते हुए वास्तु पे तो हम यहाँ पे रुके हैं, और यहाँ पे सीन ये है कि बीच में गंदगी भी बड़ी आ रही है। चेक दी साउंड की कितनी दूर तक, कितना प्यारा नज़ारा है यहाँ पे। इसको बोलते हैं कुंडल शाही। और इसके बाद ये व्यू है इसका, और आंखें घूम रही हैं इधर बात है, इसको देखते हुए आंखें जो है ना वो घूम जाती हैं। ये नज़ारे जो है ना, ये कुंडल वाटरफॉल के नज़ारे हैं। जो पहले मैं ऊपर फ्लाईओवर पर रुका हुआ था, अब जो है मैं नीचे आया हूँ, और यहाँ से इसका व्यू जो है ना वो चेक करें, और साउंड चेक करें कि कितना साउंड है इस पानी का नीचे गिरते हुए। ये पानी जो है नीचे गिर रहा है, ये ओपोजिट साइड से जो है ना व्यू मैं दिखा रहा हूँ कुंडल वाटरफॉल का। ये जो है ना, ये आई थिंक ये डैम बना हुआ है, अगर मैं इसको फोकस करूँ और मैं यहाँ पे आऊँ ना तो बिल्कुल ये जो है ना डैम की जो है ना ये लुक पेश कर रहा है। और ये फैमिली जो है हमारे साथ आई थी, एक में से दो फैमिली यहाँ पे हैं, दोनों तीन ही है। और यहाँ का नज़ारा इस वक्त हम तीनों जो है ना, असद, जमशेद और मैं यहाँ पे पिक्चर और वीडियो बनाने में ही लगे हुए हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे और कोई काम नहीं है। व्यू जो है ना माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा है। तो ये नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ गया गांधी वाटरफॉल का, जहाँ पे अभी हम लोग जा रहे हैं। The view is coming, bro. व्यू जो है वो मजा आगे मिलेगा। स्ट्रगल सो मेरे पीछे वाले जो है वो आ रहे हैं। ओह फाइनली इट्स दानी वाटरफॉल। तो फाइनली दानी वाटरफॉल पे ये बंदा जो है ना ये देख सकते हैं, ये नाच रहा है। Enjoyment. और ये पानी ऐसे है बस, अल्लाह ही माफ करे। मेन सीन इधर है। उनका
ये क्या चाचे ने कहना मेरी गड्डी का वजन भर देता तो दे इना पत्थर के नाल की कर गा लेना चाचे ने कहना पत्थर रहन दो तो तुसी जाओ बड़े मशहूर मट्टी वाले हैं इनका रंग और इसमें हमारा रंग सेम हुआ है कश्मीर का रंग देख रहे हैं चमक काला पीला तकरीबन हमें अपने मुंह जो है ना वो बर्तन धोने वाली जाली नहीं होती लोहे की हाँ तब जाके साफ होना है ये बड़ी प्यारी जगह बनी हुई है ये सामने वाली जहाँ पे ये बिलू बिलू शेड लगे हुए हैं और ये नज़ारा तो धूप और छाँव का ज़्यादा ही अखीर लग रहा है मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे तो ना थोड़ी सी नज़ारे की ना वीडियो बना ली जाए और ये बादल अपनी निस्बत आप बता रहे हैं कि भाई इनका भी कुछ मुकाम है